जावित्री 2800 रुपए किलो है, तो जावित्री की क्या खासियत होती है? ये 400 रुपए किलो है जो भारत में साउथ से आती है, और जो विदेश में वियतनाम से आती है ये 600 रुपए किलो की दालचीनी है। मसाले तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मसाला जब तक आपको ना मिले तब तक खाने का स्वाद नहीं आता। इसीलिए मैं आपको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मसाले जहां मिलते हैं उस मार्केट में लेकर आई हूं। आज मैं हूं दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में, ये है फतेहपुरी मार्केट, और यहां पर हम मसालों की दुकान पर हैं। यहां पर धनिया है, साबुत धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, काली मिर्च की भी दो तीन वैरायटी है, जीरा की वैरायटी है। इन मसालों में क्या खास है और इनके प्राइस जैसे कि आप देख रहे हैं सबके अलग अलग हैं। अगर ये काली मिर्च 600 रुपए की है तो इसके आगे की काली मिर्च 640 की है, तो इनमें क्या फ़र्क है, प्राइस में क्यों फ़र्क है और इनकी क्वालिटी में क्या खासियत है, ये जानेंगे हम। तो दुकान में हम अंदर जाते हैं। नमस्ते सर, खिचड़ी द फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मसाले हैं और मसालों की बहुत सारी वैरायटी है। अगर मैं काली मिर्च की बात करूँ तो काली मिर्च में कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? काली मिर्च के अंदर जो होती है एक 10 नंबर होती है, 11 नंबर, 12 नंबर, इस हिसाब से रेट होता है उसका, ऊपर नीचे से रेट होता है, उसमें तेजी में फर्क होता है, क्वालिटी में फर्क होता है। नंबर मतलब कि वो उतनी मोटी होगी और उतनी पतली होगी, जितना बड़ा नंबर होगा काली मिर्च का वो उतनी ज्यादा तेज होगी। ये कहाँ से आती है काली मिर्च? साउथ से आती है सब। ये सारे मसाले साउथ के ही हैं या काली मिर्च सिर्फ साउथ से है? कुछ मसाले जीरा ऊंचा से आता है, बाकी जो मसाले हैं जितने भी है साउथ से आते हैं जी। ये इधर जो लगे हुए, ये कौन सा मसाला है? बड़ी इलायची है। ये बड़ी इलायची है, लौंग, ये लौंग, दालचीनी, ये दालचीनी, जावित्री, ये जावित्री, जायफल, पीपल वगैरह, ये सब साउथ। 2800 रुपए किलो है, तो जावित्री की क्या खासियत होती है? जावित्री में तेजी होती है, चावल में पड़ती है, गर्म मसाले पड़ती है, सुगंध होती है। ये गर्म मसाला 12 आइटम का, ये बना बनाया गर्म मसाला 12 आइटम, 12 तरह के इसमें मसाले हैं। यानी अगर आप गर्म मसाला घर में पीसना चाहते हैं, मार्केट वाले मसालों से आप स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, तो ये साबुत मसाले हैं, अच्छी क्वालिटी की मसाले हैं। इसमें मैक्सिमम मसाले साउथ के हैं, 12 मसाले हैं, साउथ के मसाले हैं। इन्हें बस मिक्सी में पीस लीजिए और आपका गर्म मसाला तैयार है। क्या प्राइस है इसका? 680 रुपए प्राइस है, 640 ग्राम वजन है। 640 ग्राम वजन मसाला 680 रुपए का आपको पड़ेगा। हाँ, सारी आइटम तोल के डली हुई है, पैसे ले हुए हैं। कौन कौन से 12 मसाले हैं? इसमें जीरा है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, पीपल है, जायफल है, जावित्री है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, और स्टार है, अनीस स्टार है, कबाब चीनी है। 12 तरह की आइटम है इसके अंदर, 12 तरह के गरम मसाले हैं। स्टार है, अनीस स्टार है। अच्छा, सब आइटम। ये जो दालचीनी है ये वियतनाम की है? ये वियतनाम की है। दालचीनी वहीं से आती है? नहीं, दालचीनी साउथ की भी आती है, साउथ की है। ये भारत में उगने वाली साउथ की दालचीनी है और ये इम्पोर्टेड वियतनाम की दालचीनी है। क्या खासियत है इन दोनों में? ये ज्यादा तेज होती है, इसकी खुशबू भी ज्यादा होती है। दोनों के प्राइस की बात करें तो 400 रुपए, 600 रुपए, ये 400 रुपए किलो है जो भारत में साउथ से आती है, और जो विदेश में वियतनाम से आती है ये 600 रुपए किलो की दालचीनी है। छः हजार के? अच्छा, जो मतलब इससे पहले वाला लॉट था वो 6000 रुपए किलो का था, बिक चुका है। अब ये 2400 रुपए किलो है और ये 2800 रुपए किलो है। इनके प्राइस में इतना फर्क क्यों है सर? एट है, ये नाइन है। अच्छा, 8 नंबर है, 9 नंबर है, और ये इलायची का बड़ा साइज है इसीलिए 2800 रुपए किलो है। यानी अगर आप हरी इलायची खरीदने के लिए जा रहे हैं, इलायची जितनी बड़ी होगी उतनी महंगी होगी। इसके अलावा सर मैं देख रही हूँ चाय पत्ती की बहुत सारी वैरायटी है आपकी यहाँ पे। असम और दार्जिलिंग से आती है सारी क्वालिटी। लीकर का इसमें अंदर होता है, जितना लीकर तेज होगा उतना रेट प्राइस ऊंचा होगा उसका। लीकर क्या होता है? टेस्ट उसका, वो ऊंचा होगा फिर रेट। ये 480 है, 240 है, 280 है, लीकर के हिसाब से रेट लिखा हुआ है। कड़कपन, चाय का जो कड़कपन है जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो सबसे महंगी होगी। सबसे अच्छी चाय असम की होती है या दार्जिलिंग की होती है? गार्डन देखा जाता है, गार्डन की क्वालिटी देखी जाती है, टेस्टिंग देखी जाती है, उस हिसाब से देखते हैं रेट। अच्छा, तो ये जो आपने प्राइस लिखा है चाय पत्ती का, ये किलो के हिसाब से है?